मिला है पूजा जी, क्या कहना चाहते हैं? न्यायालय ने हमारा पक्ष सुना और उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टे का ऑर्डर दिया। उम्मीद है आगे भी न्यायालय हमारे पक्ष में हमारा पक्ष रखेंगे और वो सुनेंगे और उसके जो भी उनका न्यायालय का माननीय जज का जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। आपने अपने क्या मुद्दे रखे थे यहाँ पर, अपना आधार क्या रखा था जिस आधार पे आपको स्टे दिया गया? आधार यही था कि हमने MOU साइन किया है हमारे कलेक्टर और शकुंतला रावत जी जो माननीय मंत्री थी उनके साथ में हमारा MOU हुआ था और उसी के तहत हम निर्माण भी कर रहे थे। हमारा पक्ष यही है कि जो 14.10 वाला जो पॉइंट उन्होंने हमें जिसके अंतर्गत उन्होंने सिंचाई विभाग हमें कॉन्स्टेंटली नोटिस दे रहा है उसमें नाला हमारे हिसाब से वो नाला जायज़ नहीं है। जी हितेंद्र जी बताइए, आप थोड़ा सा विवरण डिटेल से बताइए। नहीं सर, जज साहब का भी एक्चुअली जो उन्होंने जिस पैरा में उन्होंने वो दिया था हमें नोटिस 14.10 कि ये सिली सीट से लेके जैसमंद तक उपरा जाती है उसमें कहीं भी कोई उपरा नहीं मिली है उनको 1947 के रिकॉर्ड के अनुसार से, और जो उन्होंने उसमें लिखा था कि ये नाला आता है इनके पीछे की ज़मीन पे और उस नाले से 50 मीटर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उस पैरा के अंदर कहीं भी नाले शब्द का वर्णन ही नहीं है। इस बेस पे न्यायालय ने हमें स्टे दिया है और यथास्थिति बनाई रखी और हमें ये राहत प्रोवाइड करी। पूरे क्षेत्र में किस तरीके का एक दहशत का माहौल तो है अभी भी कि प्रशासन कभी भी कार्रवाई कर सकता है, कुछ राहत मिली होगी? राहत तो मिली है सर, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बाहर से आकर इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो कम से कम प्रशासन को साथ देकर इनकी बात सुनने का अधिकार होना चाहिए, जिस अधिकार की पहल आज जज साहब ने की है। बड़ी बात यह है कि जज साहब ने पूछा था आपके पास किसी तरीके की कोई झूठी सच्ची NOC है क्या, लेकिन जवाब नहीं था। हमारे पास NOC फिलहाल ऐसी कोई नहीं थी जिसके एवज में हम जवाब नहीं दे पाए, लेकिन गवर्नमेंट का एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट होता है जिसके तहत 3 साल तक बिना किसी लीगल पेपर के आप कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेते हैं उसको सुचारू रूप से चला नहीं सकते, वो सर्टिफिकेट हमारे पास था, उस बेस पे हमें रिलैक्स दी गई। जी थैंक यू सतीश जी, आपने उस क्षेत्र में और भी बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था, क्या लगता है उन पर अभी कार्रवाई उन पर तो चलेगी ये क्योंकि पर्टिकुलर एक उसको मिला है? हाँ बिल्कुल, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये एक विशेष व्यक्ति को नाते से इन्होंने अपने नाते से न्यायालय में गुहार लगाई थी और इनको स्टे मिला है, लेकिन आप प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि नियमों के अनुसार कार्रवाई करें। अगर मान लो वहाँ जज साहब ने कहा है कि वहाँ नाला और बहाव क्षेत्र के अंतर को वो प्रशासन वहाँ इंगित नहीं कर पाया था, तो उस चीज़ को देखते हुए भराव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र और नाला इनके अंदर डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर पाया था, तो अब देखना है कि अब भराव क्षेत्र के क्षेत्र में भी कार्रवाई करेंगे क्या, बहाव क्षेत्र के क्षेत्र में भी कार्रवाई करेंगे क्या। अब कार्रवाई तो उनको करनी है तो कहीं पे भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, ये तो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को अभी राहत प्रदान। एक बात सामने आई थी कि जज साहब ऐसा शायद कुछ कह रहे थे अधिकारियों को कि बांध का जो क्षेत्र है उसका जो एरिया है वहाँ से 50 मीटर तक अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसकी जद में कौन कौन आ रहे हैं? एक्चुअली में क्या है कि वो सारे विषय को उन्होंने पूरी तरीके से सुना, 2.5-3 घंटे तक इस बहस को पूरी तरीके से उन्होंने सुना था। उस बहस के अंदर ये उन प्रशासन से पूछा गया था कि आप बहाव क्षेत्र और भराव क्षेत्र का अंतर आप मुझे कम से कम न्यायालय को बताएं, तो भराव क्षेत्र के अंदर 50 मीटर का जो दायरा है उसके बाहर उसके अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते और बहाव क्षेत्र के भी 50 मीटर के क्षेत्र में भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि ये जो क्षेत्र था ये इसके अंदर कहीं ना बहाव क्षेत्र था ना कोई भराव क्षेत्र था, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई थी नाला, नाला शब्द, और वो नाला पूरा ना तो सिल्ली सेठ से और जयसमंद जा रहा था, तो इसलिए मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आप कृपा करके ये बताएं कि आप यहाँ से जो जयसमंद पानी जाएगा वो कैसे जाएगा, तो ये प्रशासन वहाँ पर क्लियर नहीं कर पाया था। जी अभी फ़िलहाल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अलवर सिली सेठ झील के बहाव क्षेत्र में जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी वहाँ पर नटनी हेरिटेज एक होटल है जिसका निर्माण चल रहा था जिस पर यह मामला न्यायालय में पहुँचा था, न्यायालय ने अब फिलहाल नटनी हेरिटेज ग्रुप को एक स्टे दे दिया है, फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या होगी वो देखने की बात होगी। कैमरामैन नितिन के साथ जुगल गांधी अलवर।